हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ इज। मोमेंट ऑफ इज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, आईआईटी बॉम्बे में जो प्लेसमेंट के ऊपर आज पूरा डिस्कशन होगा कि एमएससी जो आईआईटी बॉम्बे से करते हैं तो उनके प्लेसमेंट की क्या हकीकत है, उनका प्लेसमेंट किस तरह से लगता है, कैसे लगेगा, बहुत सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। ये जो मैं आज रिपोर्ट आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ये 2019 टू 2020 सेशन की आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट है, जिसमें प्लेसमेंट और इंटर्नशिप जैसे लगी थी तो कंबाइंड उन्होंने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप रिपोर्ट दी है। तो मैंने उसमें से प्लेसमेंट वाला पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। ये प्लेसमेंट ऑफिस से, जो आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट ऑफिस है, वहाँ से जो है इसको इशू करा गया था। तो वही आज हम लोग सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आईआईटी बॉम्बे में जॉब्स का क्या सीन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा इसमें डिपार्टमेंट वाइज जो है स्टेटिस्टिक्स पूरा डेटा दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट वाइज कैसे कैसे जो है जॉब्स लगी हैं, ऑफर्स मिले हैं। अब बच्चों ज्वाइन किया या नहीं किया वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ऑफर्स मिलने को यही बोला जाता है कि प्लेसमेंट हो जाना। ठीक है, तो जैसे अलग अलग बीटेक की ब्रांचेस का है, मैं एमएससी के लिए जो हमारी ब्रांचेस हैं उनको जो है मैं कर देता हूँ। ये जो है केमिस्ट्री और इसके साथ फिजिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स से भी हमारा होता है, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग से भी हमारा, यानी कि इससे शायद बायोटेक्नोलॉजी की होती है। मैथमेटिक्स का हमारा कोई ऐसे इंडिविजुअल नहीं दिखा है, वो अदर प्रोग्राम से में होगा। तो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली ये चैनल थोड़ा फिजिक्स के लिए है, तो उसके लिए हम लोग गौर करें, 2017 से 18 वाले ईयर में 15 जो है प्लेसमेंट हुए थे, फिर 18 से 19 वाले में 10 प्लेसमेंट हुए थे, और फिर उसके बाद जो है 4 प्लेसमेंट हुए हैं। तो एमएससी फिजिक्स करने के बाद बॉम्बे से जो प्लेसमेंट की, मतलब आप देख सकते हैं जो प्लेसमेंट एक तरीके से किस हिसाब से प्लेसमेंट हो रहा है। लगभग आप ये मान के चलिए आईआईटी बॉम्बे में 50 सीट है आई थिंक, उसमें से कितनों का प्लेसमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हर साल कम होता जा रहा है, और रीज़न नहीं मालूम कि क्यों कम हो रहा है, क्या वजह है कि कम हो रहा है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है आपको प्लेसमेंट कैसे लगे, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं, 17, 27, फिर 28, बढ़ा फिर घट गया, तो कुछ ऐसा नहीं होता है फिक्स की घटे घटेगा या बढ़ता ही जाएगा। 24, 19, 22, बढ़ा घटा फिर बढ़ गया इस तरह से, और ये 13, 15 और फिर 21, तो ये घट गया। हो सकता है कि इस बार फिजिक्स का बढ़ जाए, तो जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे में, कहीं ना कहीं आईआईटीएम में स्कोर करा है और आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेंगे, तो उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका प्लेसमेंट लग जाए। अगर होता क्या है, कभी कभी बच्चे रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो ये सब प्लेसमेंट रिलेसमेंट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो सब लोग अपीयर भी नहीं होते हैं, सारे बच्चे इसमें अपीयर नहीं होते हैं। तो कुछ और डेटा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम वाइज स्टेटिस्टिक्स दे रखा है भाई, बीटेक से हमको कोई लेना देना नहीं है, डुअल डिग्री एमटेक हमें 2 ईयर एमएससी से इम्पोर्टेंट है, और बाकी सारी उससे जो है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वो नहीं ना। 144 जो है 144, यानी कि 144 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि हाँ भाई मुझे प्लेसमेंट के लिए मतलब करना है, फॉर्म अप्लाई करा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। उनमें से सिर्फ 96 ने पार्टिसिपेट किया प्लेसमेंट के लिए, जो प्लेसमेंट ड्राइव जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 96 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 52 की जॉब लग गई। तो ये 52 मतलब कोई खराब जो है फिगर नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो 54.17% जो है प्लेसमेंट होना, जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं। अब जब आप अपेयर ही नहीं हो रहे हो, जो बच्चे अपेयर ही नहीं हो रहे हैं या जॉब के लिए उत्सुक ही नहीं है, तो उनको तो ये नहीं कहा जाएगा ना कि क्लास में 50 बच्चे थे और 4 की जॉब लगी, तो भाई 10 ने ही अप्लाई करा जॉब के लिए, तो जाहिर सी बातें कहेंगे 10 में से 4 का हुआ तो 40% जॉब लग गई ना। बाकी 40 बच्चे, अगर 50 बच्चों का क्लासरूम है तो उसमें 40 ने अप्लाई नहीं करा, तो वो मैटर नहीं करते, जो अप्लाई कर रहे हो उसमें से कितने परसेंटेज हो रही है। अच्छा, बड़ा एक प्रोसीजर होता है, बहुत सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किन पैरामीटर्स के थ्रू जो है जॉब्स के थ्रू जो है जाया जाता है। ठीक है, एक ये स्टेटिस्टिक्स है, इसके बाद एक मेरे पास सेक्टर वाइज स्टेटिस्टिक्स है, ये भी आप लोगों के लिए यूजफुल है कि लोग जो जॉब लगती हैं वो कहाँ लगती हैं। ये देखिए आप जरा, जैसे बीटेक वालों को ड्यूअल डिग्री और एमटेक वालों के लिए ये मैंने बना रखा है कि ये सब जो है अलग अलग मतलब सेक्टर्स होते हैं जहाँ जॉब करने के लिए, एनालिसिस का, कंसल्टिंग के लिए, एजुकेशन का, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एफएमसीजी यानी कि फूड प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए, आईटी सॉफ्टवेयर, पब्लिक सेक्टर पीएसयूज में, और रिसर्च डेवलपमेंट और सर्विसेज कोई जॉब में
गए हो, कुछ है इस तरह से। तो ये जो कहीं ना कहीं प्रोग्राम वाइज डेटा मैंने दिया था, और इस प्रोग्राम वाइज डेटा में और आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ किस हिसाब से हमारा होता है। ये डिपार्टमेंट वाइज मैंने डेटा दे रखा था, और यहाँ पर आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आप इसका टोटलिंग काउंट करोगे हर उसका, तो आप देखोगे कि एमएससी के लिए बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। ज़्यादातर बीटेक डुअल डिग्री या एमटेक के लिए बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, डुअल डिग्री का मतलब यहाँ पर बीटेक एमटेक से है, ना कि एमएससी पीएचडी से। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक एक उसकी बात करते हैं, एक एक सब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कितने लोगों को मिली, कैसे मिली, सारी बातें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो 2 साल की एमएससी के लिए 13 लोग अपीयर हुए थे, जिसमें पार्टिसिपेट कर, जिनमें 7 लोगों की जॉब लगी थी। मैथमेटिक्स में 2 साल की एमएससी के लिए 7 लोगों ने अप्लाई करा था, जिसमें से 6 लोगों की जॉब लग गई थी। तो जो इम्प्रेसिव फिगर है, मैं उस पर टिक कर देता हूँ कि हाँ ये अच्छी मतलब लग रही है जॉब लोगों की। ठीक है, अब जैसे अप्लाइड जियोफिजिक्स में मतलब 3 में से 1 ठीक है, और फिजिक्स की अगर बात करें 2 साल एमएससी की 12 लोग अपीयर हुए, सिर्फ 4 की जॉब लगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है फिजिक्स के लिए। अच्छा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च भी होता है। अब देखिए, अब 2 साल के एमएससी है, उसमें 6 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, 3 की जॉब लग गई, तो एक ये अच्छा मतलब वो है, माना जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें केमिस्ट्री का देखें, तो केमिस्ट्री में आप ये देखो 2 साल की एमएससी, तो 2 साल की एमएससी में 18 लोग अपीयर हुए, 7 लोगों की जॉब लग गई। तो ये प्लेसमेंट का पूरा मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे कम अभी तक फिजिक्स का ही है, तो कहीं ना कहीं इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे। तो इसका कुछ करा नहीं जा सकता, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न। लेकिन मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आज कि नहीं हुए बच्चे, आप हो सकते हो, क्या करना रहेगा, मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा आज। ठीक है, अभी और आगे दूसरे सब्जेक्ट्स का जरा देखते हैं। अच्छा, कुछ ज़रा ज़बरदस्त है, जैसे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, बड़ा ज़बरदस्त इसका है। 25 लोग अपीयर हुए, जिसमें से 22 की जॉब लगी, बहुत ही ज़बरदस्त, सुपर स्टार मतलब एकदम ज़बरदस्त इसमें प्लेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं, अप्लाइड जियो फिजिक्स 2 साल की जो एमएससी होती है, 3 लोग अप्लाई करे, 1 की जॉब लग गई। और टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये हमारा एमटेक का नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले 2 साल जो एमएससी करे थे, 13 बच्चे अपीयर हुए, इनमें 7 को जॉब का ऑफर मिल गया। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। सबसे कम अगर देखा जाए तो जियो फिजिक्स का और फिजिक्स का ही, ये सब चीज़ों का सबसे कम है। अच्छा, रीज़न क्या होता है, थोड़ा आप प्रैक्टिकल वे से सोचिए। अच्छा, अप्लाइड स्टैटिक्स जो कंपनीज होती हैं उनको जॉब किस तरह की चाहिए होती है। आप फिजिक्स से जॉब क्यों नहीं लग रही है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप इससे जो है थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि फिजिक्स से जॉब क्यों नहीं लग रही है। फिजिक्स वाले क्या करें, कैसे उनकी जॉब लगे, उनका प्लेसमेंट हो आईआईटीज में एडमिशन लेने के बाद, वो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्टर्स की। भाई, सेक्टर्स का हमारा जो है मतलब कैसे होता है सारी चीज़ें, सेक्टर्स का क्या 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 हमारे सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही जो रिक्रूटर्स होते हैं, अलग अलग तरह का हमारा सारा सीन होता है। एक तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हमारा जो है एक सेक्टर है, यहाँ पर जो है जॉब लगती है, जो इंजीनियरिंग जो है हमारे होते हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस इंजीनियरिंग जो ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं वो लगती हैं। ठीक है, एक लगती है आईटी सॉफ्टवेयर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए या तो बीटेक हो आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनके लिए आईटी सॉफ्टवेयर के लिए कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस तरह से कोर्सेज आप लोगों ने बीटेक परस्यू किया हो, एमटेक परस्यू किया हो, तब जाके कहीं ना कहीं इसमें लगेगी। तो कहीं ना कहीं आईटी सॉफ्टवेयर के लिए आपके लिए कोडिंग मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग आनी चाहिए। अब आप सपोज करो कोई कंपनी है, कोई कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहाँ पर मतलब जो है कंसल्ट करें, यानी कि जो बड़े ऑफिसर्स मतलब कंपनी के जो मालिक हों वो आपसे कुछ मशवरा ले सकें। तो अब जाहिर सी बात है एमएससी फिजिक्स में तो आपको या एमएससी केमिस्ट्री में तो आपको मशवरा देना सिखाया नहीं जाएगा कि कैसे किसी को एडवाइस देनी है, कैसे क्या एनालिसिस करनी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट से अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करनी है कि आप कुछ कम्युनिकेशन स्किल और सारी चीज़ें जो है कर सको, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस में क्या होता है, बहुत अजीब अजीब तरीके की
प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सिचुएशन आ जाती है, मार्केटिंग नहीं हो रही है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, आप क्या कंपनी को ऐसा कोई आइडिया दे दो कि जो है वो हो सके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप लोग को बड़ा लगेगा, मैंने भी सुना है किसी से, किसी ने बताया, कितना सत्य है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, कोलगेट का टूथपेस्ट का आपने नाम सुना होगा, तो टूथपेस्ट की सेल थोड़ी कम हो गई जो कोलगेट का था, तो कोलगेट के टूथपेस्ट की जब सेल कम हो गई तो उसने जो है कंपनी के मालिक बड़ा परेशान था, तो किसी ने कहा कि मैं मशवरा दूंगा तो मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन हाँ मैं कंसल्ट करूंगा, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, और जो है डेफिनेटली ये वर्क करेगा, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, बताओ कैसे सेल होगी। तो उसने 1 करोड़ रुपया चार्ज करा, और उसने क्या मशवरा दिया देखिए, उसने क्या कहा, उसने कहा जो कैप होता है जिससे हम लोग निकालते हैं टूथपेस्ट, तो उसके साइज को बड़ा कर दो, तो बड़ा होगा तो पब्लिक एकदम से दबाएगी और ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा खर्च होगा और ज्यादा बिकेगा, जल्दी जल्दी खत्म होगा, 15 दिन में खत्म होता था, 12 दिन में खत्म होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सेल बढ़ी। तो आई होप कि आप, अगर अगर आपको अपने बचपने का याद हो तो कहीं ना कहीं टूथपेस्ट का कोलगेट का मुझे याद आता है, पहले पतला होता था, अब काफी चौड़ा चौड़ा कोलगेट का वो सब आता है जिससे होल से निकलता है पेस्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, तो कंसल्टिंग का जॉब का मतलब आप समझ गए हो, इसका बीटेक से, एमटेक से, एमएससी से, पीएचडी से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए जो सूटेबल होगा वो उसको लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं बीटेक के टाइम पर जो बच्चे होते हैं उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यू, क्योंकि IIT जैम एग्जाम एक तो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं ना, वो जे एडवांस जैसा एग्जाम निकाल कर लाते हैं, तो और उसके बाद जो है आके बहुत सारी टेक की चीजें, टेक्नोलॉजी, कंपनीज ओरिएंटेड चीजें सीखते हैं। आप क्या बेसिकली क्वांटम पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स पढ़ रहे हो, अब इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स क्वांटम में आपको टीचर ये थोड़ी सा सिखाएगा कि बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, कंपनीज में क्या होता है, वहां पर कहीं ना कहीं उनके जो है टीचर्स उस तरीके से बातें सिखाते रहते हैं और वो सारी चीजें प्रोग्रेस होती रहती हैं। अगर उनके टीचर्स सिखा रहे हैं और आपके टीचर्स आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का ज्ञान दे रहे हैं, तो आप फिजिक्स का ज्ञान ये देते रहिए, लेकिन साइड में आप अपना जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा मैं एक खास बात बताऊं कि IITs हमारे लोकल कॉलेजेस से क्यों बेटर होती है, उसका एक छोटा सा रीजन एक और सुन लीजिए, जब आप IITs में जाओगे तो बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, यानी कोई छोटे छोटे कोर्सेस चलते हैं, 2-4 दिन के, 8 दिन के, जहाँ पर कोडिंग सिखाई जाएगी, जहाँ पर कुछ मैनेजमेंट की कुछ कोई सेमिनार वगैरह होगी, उनको अटेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए, टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आप अपने ही कोर्सेस, प्रैक्टिकल और जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उसमें बिजी रहोगे, लेकिन आपको अपने कोर्स वर्क से टाइम निकाल के वहाँ पर जो है चीज़ें करनी रहेंगी, आप जब एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेंगी, ये तो श्योर है। अच्छा और हम लोग देखते हैं इनके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इनके अलावा एक है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, यानी कि आप किसी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में जो है मतलब जॉब करो, यानी कि R&D डिपार्टमेंट वो होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, कोई कंपनी है उसके न्यू प्रोडक्ट्स के लिए काम करो। अब जैसे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी वाले तो जो हमारी मेडिसिन और इस तरह की जो कंपनीज हैं उन पे फिट बैठते हैं कि उनके बैठ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाओ और उनके लिए कुछ आगे कुछ बताओ, प्रोग्रेस करो कुछ, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए सुटेबल बैठते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी वहाँ चले जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स एक जॉब होती है कि आपको कोई कंपनी ने डेटा दे दिया कि भाई देखो हमारे इतने प्रोडक्ट्स बिके थे, ये बिका था, ये बिका था, ऐसा था, अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या करा जाए कि हमारी सेल बढ़े। अब या फिर ऐसा होगा कि दूसरी कंपनी का आपको डेटा दे दिया गया कि ये डेटा है, आप बताओ कि जो है मतलब हम इस इनसे कम्पीट करना है, हम क्या करें, तो डेटा एनालिटिक्स जो एक्सपर्ट होते हैं उनका ये काम होता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं बच्चों से मार्क्स पूछता हूँ, सारी चीज़ें पूछता हूँ, और कहीं ना कहीं फिर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक बताना और सारी चीज़ें IITM के पेपर को एनालाइज करके बताना कि बेटा ये टॉपिक ज़्यादा आते हैं, ये कम आते हैं, तो यही होता है कि डेटा को एनालिटिक्स का एक्सपर्ट का काम ही होता है। तो ये एक प्रतिभा है, ये कोई नॉलेज नहीं ना, ये कोई एजुकेशन नहीं है, ये कोर्स नहीं है, R&D कोई कोर्स नहीं है, डेटा एनालिटिक्स का किसी स्कूल में कोई कोर्स नहीं सिखाया जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह ये सब जो है कोई कोर्स नहीं सिखाया जाता, क्योंकि कॉमर्स का बच्चा तो वहाँ है नहीं, फाइनेंस के बारे में क्या जान, जो बीटेक वाले को, वही MSc वाले को, तो अपने आप को ये जो ये सब एक प्रतिभा है अपनी, एक नॉलेज, एक जो मतलब हम लोग नहीं कहते करिकुलर एक्टिविटीज से सीखने वाली चीजें हैं, तो इनको अगर आप सीखते हो, आप फाइनेंशियल सर्विसेज में सीखते हो, डेटा एनालिटिक्स को सीखते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सीखते हो, तो ये सारी चीजें जो है मतलब आप अपने अंदर टैलेंट को क्रिएट करते हो, तो आप डेफिनेटली वो कंपनी जब आपसे इंटरव्यू लेगी तो आप बोलोगे उससे रिलेटेड सारी चीजें, वो अपनी कंपनी, जो कंपनी आप जाओगे वो अपने नीट के हिसाब से ही तो क्वेश्चन आपसे पूछेगी, तो अगर आपका माइंड उस हिसाब से चलता है कि आप उसको जो है मतलब बता सकोगे कि हम इस तरह से सोचते हैं, ये कर सकते हैं, तो बहुत सारे गूगल का जमाना है, बहुत सारी चीजें आप
किसी भी टॉपिक्स को, दो तीन टॉपिक्स को पकड़ लीजिए कि मुझे इस तरह की जॉब्स में जाना है, कंसल्टिंग जॉब जॉब्स में जाना है। मुझे मालूम है, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका एक बताऊं कि उसने जो है आईआईटी बीएचयू से डुअल डिग्री करा, और डुअल डिग्री जो है उसने मेटलर्जी से करा आईआईटी बीएचयू से। अब उसके बाद आप बताओ, उसने मेटलर्जी करा, मेटलर्जी में ना जाने कितनी काम करा, बीटेक एमटेक और फिर डुअल डिग्री दी, तो उसमें रिसर्च ये वो दुनिया भर की चीज़ें करी। लेकिन अब वो जॉब क्या कर रहा है, नोएडा में एक एनालिसिस एक्सपर्ट की जॉब कर रहा है, यानी कि वो डेटा एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा है। उसको डेटा दिया जाता है तो वो उसका एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में वो है। तो यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे जो है चीजें चल रही हैं। आप पढ़ कुछ रहे हो और वहां वो चला गया, तो वो क्यों चला गया, तो कहीं ना कहीं उसने अपने अंदर वो चीजें डेवलप करी होंगी कि वो लग जाए। और कंपनीज का भी आजकल बड़ा अजीब ट्रेंड हो गया है, हो सकता है कि आप बेटर हो सकता है कि आप एक बेटर हो, एक बना हुआ नहीं होता है, एक ऑरा बन गया है कि एक आईआईटीएन बीटेक वाला है और एक आईआईटीएन एमएससी करे हुए है, तो बीटेक वाला ज्यादा मतलब हमारे लिए कंपनी की ग्रोथ में यूजफुल होगा। लेकिन एमएससी, आप जब एमएससी पढ़ते हो फिजिक्स, क्या मजाक है एमएससी फिजिक्स करना, क्या एमएससी मैथमेटिक्स करना मजाक है, क्या एमएससी केमिस्ट्री करना मजाक है? इस साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ना और इतनी बैचलर और मास्टर लेवल तक आगे जाना और उनको पढ़ना, ऐसा तो नहीं आपका दिमाग नहीं चलता है? जाहिर सी बात है दिमाग चल रहा है, जब तो आप इतने साइंस के सब्जेक्ट से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड चलता है। लेकिन कंपनीज ने एक अपना वो एक बना रखा, ऑरा बना हुआ है कि बीटेक वालों का ज्यादा तेज दिमाग चलता है, तो यू हैव टू प्रूव कि तुम्हारा दिमाग चल रहा है। सारा प्लेसमेंट का जो एक पॉइंट भी आके अटक जाती है सुई, दिमाग कितनी तेज चल रहा है, आप कितनी तेज आपका ये जो माइंड है प्रोसेस कर पाता है, आप उस कंपनी के लिए कितना यूजफुल हो जाओगे, बढ़ से आगे से बढ़कर आगे कैसे काम करोगे, ये सारी चीजें हमारी होती हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो पूरा प्लेसमेंट का जो एक सेल होता है, प्लेसमेंट का आईटी बॉम्बे में सेल है, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो स्टूडेंट का जो है प्रिपरेशन कराती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको कराते हैं, मतलब बूट कैंप्स और अलग अलग तरह की चीज़ें चलती हैं। तो ये जो बूट कैंप्स मतलब छोटे छोटे कैंप्स चलाना 2-3 दिन के, उसमें तुमको कुछ कोडिंग की नॉलेज दे देनी ऐसी कुछ, जिससे तुम जो है जो कंपनीज में काम हो रहा है वो नॉलेज तुमको दे देना, जो ताकि वो कंपनीज आए और तुमको वहां की जानकारी हो वो किस का क्यों क्या काम करवाएंगे हमसे, तो वो तुम उसी के बारे में तुम बताओ, तो उनको लगे अरे यार ये तो सब बढ़िया है, प्रोसेस है, जल्दी सीख जाएगा, 6 महीना नहीं 3 महीने में सीख जाएगा। तो वो कहेंगे आ जाओ फटाक से, मैं तुम्हें 3 महीने सिखाऊं और फिर तुम्हारा काम इस्तेमाल करके कंपनी ग्रो करे और तुम्हें पैसा दे। ये है सिंपल सा प्लेसमेंट का मतलब, और जो आसान शब्दों में हिंदी भाषा में जो समझाया जा सकता है एकदम नॉर्मल सी देसी लैंग्वेज में, उस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये जो स्टूडेंट प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें ग्रुप डायनेमिक्स मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह, और आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, कॉन्फिडेंस लेवल, एटीट्यूड लेवल, आपका इंटरव्यू स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें डेवलप कराते हैं स्टूडेंट प्रिपरेशन। इसके बाद कुछ चीज़ें मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ऐसे मेंशन नहीं है लेकिन वो एग्ज़ाम होता है, तो उसके बारे में बताऊँ। आईआईटी बॉम्बे में क्या होता है, उनका एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है, उन्होंने एक कॉमन एग्ज़ाम बनाया है, और उनका ये दावा है कि वो जो एग्ज़ाम है वो जैसे जेई और गेट होता है बिल्कुल उसी तरीके से, एकदम मतलब कोई घपलेबाजी नहीं कुछ नहीं, एकदम क्रीमी लेयर का मतलब एग्जाम होता है। अब वो एग्जाम किस तरह का होता है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो है मतलब डिस्कस करूंगा कभी बाद में उसके बारे में, लेकिन अभी नाम के पीछे ना पड़िए। आईटी बॉम्बे कुछ है मतलब प्लेसमेंट व्लेसमेंट करके कुछ उसका एंट्रेंस वगैरह है। होता क्या है वो पढ़ने होता, एक्चुअली मैं रीजन समझो, जैसे 80 कंपनी आई हैं, अब 80 कंपनी है, सारी इंटरव्यू ले रही हैं, तुमसे एक एग्जाम लेंगी सुबह 40-50 क्वेश्चन का, उसके बाद तुमसे बैठ गए उनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट करेंगे, 50 लोगों ने एग्जाम दिया, 25 को इंटरव्यू बुलाएंगे, 25 में 10-15 ले जाएंगे। ये होता है सिस्टम, कई स्टेप में होती है, वही कंपनी फिर से आएगी, फिर होगा 2-3 स्टेप में एक कंपनी लेती है, एक बार में नहीं लेके चले गए अब दोबारा नहीं, नहीं कई स्टेप्स में सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को क्या होता है, उसको अपना सारी चीज़ें करनी होती हैं, कोर्स सारी पढ़ाई करनी होती है, और उसके साथ साथ ये चीज़ होती है। अब मान लो एक कंपनी रोज ले रही है 3 महीने, 80 कंपनी आ रही है, तो 3 महीने तो ऐसा ही चलेगा, तो कैसे सिस्टम चलेगा? तो एक पेपर डिज़ाइन करा जाता है, उस पेपर में कई पार्ट्स होते हैं, क्या उस पेपर का जो डिज़ाइनिंग है मैं वो आपको बता दूँ। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये सारी चीज़ें, जब एक तरीके से आप ये समझो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में जो हमारा सी सेट का पेपर नहीं होता है, लॉजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, एसएससी सीजीएल में जो ये सब नहीं आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब डाटा इंटरप्रिटेशन,
ये सब चीजें जो है आप अगर अपनी मजबूत कर लोगे तो साइड की बात है आप रिटर्न निकाल दोगे, और लॉजिकली सोचना भी आता होगा तो आप कर लोगे। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह और थोड़ा सा इतना ये टेस्टिंग होती है, ये आप टेस्ट कर लोगे, उस हिसाब से रैंक होगी। जितने भी कंपनीज आती है रिक्रूट करने के लिए, भर्ती करने के लिए, सबको वो पहुंचा दिया जाता है मेरिट लिस्ट, वो अपने अपने हिसाब से। और आप सेक्शनल वाइज किस एरिया में कितना परफॉर्म कर रहे हो, लॉजिकल कितना कर रहे हो, क्वांटिटेटिव कितना कर रहे हो, डाटा इंटरप्रिटेशन कितना कर रहे हो, तो जिस कंपनी को जो नीड होती है वो कर ले जाता है। अब होता क्या है कि आपके ऊपर तो बड़ा प्रेशर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने का प्रेशर होता है, ठीक है, आपको तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल समझना है, हाइड्रोजन एटम समझना है। अब बीटेक वालों को इतना प्रेशर नहीं होता है, आप जब देखोगे तो बीटेक वाले खूब मौज मस्ती करते हैं। मैं आपको जो कल्चरल फेस्ट होते हैं, मैं आपको सच सच बताऊं, आप यकीन जानो जितने भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो आईआईटी से पीएचडी करते हैं, कुछ जाते होंगे नाचना गाना वहां होता है तो वो भी पार्टिसिपेट करते होंगे, मोस्टली इतने डेडिकेटेड होते हैं। साइंस लेने के बाद क्या कोई किसी के एक तो इतनी मेहनत करेंगे, लोग एमएससी पीएचडी करने आईआईटी जाते हैं और वो यही सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे, उनको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से फुर्सत नहीं है तो भाई वो सब ये कैसे जाएंगे। बहुत कम बच्चे कुछ चले जाते, मैं अपना व्यू नहीं रख रहा हूँ कि जाना चाहिए नहीं जाना, मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि बीटेक के स्टूडेंट अपने वहीं पर बड़ा चिल रहते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड भी होता है और आपको देख के भी बड़ा उनको इन्फीरियरिटी आएगी। तो बिल्ड करो अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई करो, अपने आप का सेल्फ इम्प्रूवमेंट, 2 साल की एमएससी में आपको अपना कोर्स भी पास होना है, सीजीपीए भी बहुत मैटर करता है। आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो उनको लगेगा यार ये पढ़ने में बहुत शार्प माइंडेड है, रटता है को बेहतरीन तरीके से, चलो इसका यूज कर लेंगे हम अपनी कंपनी में। तो सीजीपीए वगैरह भी ये सब मैटर करते हैं, और इसके साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल नॉन वर्बल जो है जो चीज़ें होती हैं, लॉजिक्स होते हैं, उन सब को आप कितने अच्छे तरीके से कर लेते हो, यही चीज़ें आपको एमएससी आगे ले जाएंगी। अगर आप चाहते हो कुछ कुछ दुनिया, मतलब कुल मिला के आपको दुनिया की जानकारी रखनी है क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है, और कुछ टेक्स रिलेटेड जानकारी रख लो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप वहां जाकर कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख लो ताकि आपको फेसबुक गूगल में जॉब लग जाए, नो दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जो चीजें हो उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना। अदरवाइज अदरवाइज अब मैं यहां पर ये मैंने पूरी बात आज की जो है सेशन की बता दी है। अब मैं एज ए टीचर, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अब कहीं ना कहीं कहने का हक है मुझको, अब मैं एमएससी के बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले, देखो प्लेसमेंट के चक्कर अक्कर में ना पड़ो, ठीक है, प्लेसमेंट करो जो बताइए, अपने आप की ग्रोथ करो, सारा सब पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ अपने अंदर, सब कुछ प्रोग्रेस करो, अपेयर हो निकालो, लेकिन यहां पर प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारे लिए यकीन जानो जिसको मैं भी डेटा मैंने पूरा लगाया नहीं है, ये जो रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर करी है, तकरीबन 1207 लोगों को जॉब लगी थी 2020 में, मुझे जहां तक डेटा याद है, और उनमें से 246 लोगों की 16 लाख से ऊपर थी, 16 लाख पर एनम, और 200 लोगों की 13 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में थी, और फिर 300 कुछ लोगों की 12 लाख से लेकर मतलब 11 लाख से लेकर 12-13 लाख तक ऐसे उनकी सैलरीज थी। तो कहीं ना कहीं 1 लाख पर एनम मिलेगा, ठीक है, ऑन एवरेज 1 लाख पर एनम मिलता है, इनसे कम भी ना जाने कितने लोगों को, अगर ये देखो ये अगर आधे लोगों को मिल गई है तो आधे लोगों को तो 1 लाख भी नहीं मिलते होंगे, और आधे से ना जाने कितने ज्यादा जिनकी जॉब ही नहीं लगी होगी, ठीक है, ये भी तो है, बहुत से लोग एफपीआर हुए हर कैटेगरी में, बीटेक वालों को भी जॉब नहीं लगी, सबको आपने देखा कि एफपीआर हो रहे हैं ज्यादा और कम की जॉब लग रही है, ये सारी चीजें भी आप लोगों ने देखी, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अगर आपको वो ना लग रहा हो तो मैं आपको डेटा दिखाई दूँ जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये रिसोर्सेज एमटेक है, 19 है, 19 लोग हो गए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्नोलॉजी एमटेक है, 11 लोग हैं, 10 की जॉब लगी, कहाँ चले गए बाकी, एक की क्यों नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ऐसा होता है, जॉब सबकी नहीं लग पाती है, क्लियर है, डन, सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आगे करो, पीएचडी के लिए बढ़ो, अगर घर में वाकई में ये हो कि जॉब ही चाहिए तो प्लेसमेंट के लिए अपना 2 साल अपना जी जान से जुड़ जाओ कि
कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए और प्लेसमेंट के रास्ते क्या हैं, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हुई हुई है आपके लिए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, पीएचडी की तरफ जाने की कोशिश करो, रिसर्च लाइन में जाने की कोशिश करो, टीचिंग लाइन में जाने की कोशिश करो। जितना आप आईआईटी से एक प्लेसमेंट लेके कमाओगे, उतना आप इन टेक्स इन सेक्टर्स में भी जाके कमाओगे, कर जा सकते हो, कमा सकते हो। एजुकेशन लाइन में भी बड़ा अच्छी अर्निंग है, सारी चीज़ें हैं, तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। तो प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना। ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट होते हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुए तो ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट होते हैं। यानी कि आप किसी कंपनी के पास जाओ, कंपनी आपके कॉलेज में आए, दैट इज ऑन कैंपस। आप किसी कंपनी के पास जाओ, अप्लाई करो, किसी वेबसाइट में जाओ अप्लाई करो, दैट इज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप जो है सारी चीज़ें हमारा ये मतलब मैंने आज काफ़ी चीज़ें पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। तो ये आज हम लोग का डिस्कशन आईआईटी बॉम्बे के लिए था, कहीं ना कहीं आज जो हम लोगों का डिस्कशन था ये आईआईटी बॉम्बे के लिए है। और बाकी आईआईटीज के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहेंगे, सारी बातें डिस्कस करते रहेंगे। तो इसी के साथ मुझको लगता है कि आज हम लोग को एंड करना चाहिए सेशन को। बहुत जल्द हम लोग नई वीडियोस के साथ आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ ऐसे ही आती रहेंगी। लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है कमेंट करके बताएं। टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, पढ़ाना रहता है बच्चों को, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने के लिए। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।